नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस संध्याकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वाधीनता दिवस के भाषण की। और उसके लिए हमारे साथ हैं राजेश कुमार सिंह जी। आपका स्वागत है राजेश जी। नमस्कार। नमस्कार। तो हम लोग लगातार ये है शिकायत करते आ रहे थे, हमारी वेदना थी लगातार कि मोदी जी जो हैं वो अपनी जड़ों पर वापस नहीं जा रहे हैं, जो उन्होंने वचन दिए थे उन वचनों पर नहीं जा रहे हैं। तो कल जो उन्होंने स्पीच दी और तीन शक्तियों की, पांच प्रणों की बात की, हालांकि वो प्रणों को वो बार बार प्राण कह रहे थे लेकिन वो थे प्रण, और पांच प्रणों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये कहा कि सब कोई बड़े से बड़ा नहीं छूटेगा। तो आपको लगता है कुछ कंसीलिएटरी टोन आपको दिखी कि जो उनकी जो उनके जो वोटर हैं उनको जो अच्छा लगता है वो अंततः वहां पर आ गए, और किसी भी प्रकार का कोई, मुझे लगता है कि इस्लामियों के लिए कोई राहत वाली बात नहीं दिखाई दी उसमें, क्योंकि इस्लामी कल बड़े रुष्ट थे उनके भाषण से मैंने देखा था। हमने ये तो मोदी जी हमेशा ये करते हैं, ये आदत है उनकी कि जब भाषण देने का समय आता है तो उस समय वो सारे जो सही नाम है और सही उद्धरण है वो सब दे देते हैं। तो उसमें पता चलता है कि सारे राष्ट्रवादी हिंदू जो हैं कहते हैं चलो ठीक है, अब मामला एकदम ठीक हो गया है, अब कोई समस्या नहीं है। तो हम लोग भी उत्साह में आ जाते हैं। तो कल वही हमें उत्साह में लाने के लिए उन्होंने कुछ चीजें जोड़ दी उसके अंदर। अब देखें आगे क्या होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो करें क्या। समस्या तो यह है कि आप निर्णय लें और कुछ डिसाइसिव एक्शन हो। लोग तो तैयार बैठे हैं और आप स्वयं कह रहे हैं कि लोग तैयार बैठे हैं। लोग केवल इसीलिए थोड़ी तैयार बैठे हैं कि 15 अगस्त पर झंडा लहरा देंगे, अरे वो तो बहुत छोटी मोटी चीज है। कभी किसी दिन जो थाली पीट देंगे वो कौन सी बहुत बड़ी चीज है। लोग तो उससे भी बड़ी चीजें करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप इशारा तो कीजिए, देश की सारी समस्याओं का समाधान एक झटके में हो जाएगा, अंदरूनी बाहरी विकास, न्याय व्यवस्था की, अन्याय व्यवस्था की, जो कुछ भी समस्याएं इस देश की है उन सारी समस्याओं का समाधान इस देश की जनता तैयार बैठी है उसको ढूंढने के लिए। यही है कि आप एक बार उसका आह्वान तो करें। बाकी सारी चीजों का तो आह्वान आपने कर लिया है कि ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, टीका भी लगवा लीजिए, झंडा फहरा दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, वो सब ठीक है। बाकी में भी आह्वान थोड़ा कर दीजिए, फिर देखिए कैसे लोगों का उसमें उत्तर आता है, कैसा रिस्पॉन्स उनका होता है। और लोग मेरे अपेक्षा रख रहे हैं कि ऐसा कुछ आह्वान करेंगे। आह्वान के साथ साथ, और जैसे यदि जो उन्होंने कल जो पांच प्रण बताए, तो वो पांच प्रण में एक तो विकसित भारत है, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई विशेष बात नहीं। दूसरी बात कहा कि गुलामी से मुक्ति, यानी मानसिक दासता से मुक्ति, लेकिन वो मानसिक दासता से सबसे अधिक ग्रसित तो जो भारत सरकार है वही दिखाई पड़ती है, और भारत सरकार तो उनके अधीन ही है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम और आप क्या करेंगे, जनता क्या करेगी। तो वो मानसिक दासता से मुक्ति का जो उद्गम स्थान है वो तो भारत सरकार ही है। मानसिक दास्ता का सेक्युलरिज्म से अधिक मानसिक दास्ता और क्या हो सकती है। देखिए मानसिक दास्ता की जब बात होती है तो उसका तो पता है कि मानसिक दास्ता जो है उसका उसका जो मूल स्थान कहाँ है, जहां से वो मानसिक दास्ता जो है वो फलती फूलती है और लगातार चलती रहती है, वो कुछ निश्चित मूल स्थान है उसके। अब आप सारे देश को पता है, आपको भी पता है कि वो मूल स्थान कहाँ है, वहीं कम से कम कुछ सुधार लाइए। अब जैसे कि मान लीजिए शिक्षा का क्षेत्र है, उसके अंदर एक मानसिक दास्ता की स्थिति है। मान लीजिए संस्कृति का क्षेत्र है, उसके अंदर मानसिक दास्ता की स्थिति है। संस्कृति की भी बात की थी, अपनी संस्कृति की भी बात की थी कल। हाँ बिल्कुल। तो अब सब कुछ अगर आपने आपको इस मानसिक दास्ता से मुक्ति पानी है तो वो तो बड़ा आसान रास्ता है उसका,
ये मुक्ति तो आपको पहले 6 महीने में ही पा लेनी चाहिए थी। आप एक बार वो प्रक्रिया प्रारंभ होती, वो प्रक्रिया चलती और अभी तक वो सारी प्रक्रिया पूरी भी हो गई रहती और उस समस्या का समाधान हो गया रहता। हम मानसिक रूप से जितनी भी हमारी गुलामी है वो सब कुछ हमारी खत्म हो जाती, हम डीकॉलोनाइज हो जाते। ये हो सकता था पिछले 8 सालों के अंदर, ये डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको शुरू करके खत्म कर लेना इतना कठिन नहीं था। लेकिन कहां हो रहा था ऐसा डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू? आज तक उस प्रोसेस को ना शुरू कर सके ठीक तरीके से, ना उसको खत्म कर पाए, तो क्या किया जाए उसका? अब जैसे कि हमारे रोते रहते हैं अश्विनी उपाध्याय जी कि साहब विदेशी कानून घोटाइए, विदेशी कानून घोटाइए, ये करिए, वो करिए। अरे कम से कम आप मान लीजिए कानूनों को नहीं हटा सकते थे तो 8 साल पहले जब आप आए थे, और मान लीजिए जब से इस तरह की मुहिम शुरू हुई तो उसमें कम से कम आपने कहीं कोई एक कुछ लोगों का एक ग्रुप ही बना दिया होता जो इसके ऊपर विचार विमर्श करता, मिनिस्टर्स का ग्रुप बना दिया होता कुछ इसके ऊपर विचार विमर्श करता और कहता कि ऐसे ऐसे हमें जाना है। उसमें कोई बहुत कठिनाई तो थी नहीं, लेकिन वो आपके पास वो दृष्टि नहीं थी और आपने उस दिशा में सोचा नहीं। तो आज भी किस हद तक आप उस दिशा में सोच रहे हैं, आपकी कितनी व्यापक और विहंगम दृष्टि है ये डीकॉलोनाइजेशन और ये गुलामी की मानसिकता से निकलने वाली, वो कहां तक, वो तो हमें पता चले कम से कम। तो बस एक वाक्य तो आ जाता है, लेकिन उस वाक्य के आगे क्या? और फिर क्या ये मानसिक गुलामी जो है केवल अंग्रेजों की मानसिक गुलामी है? आज तो आप इन्होंने केवल जो रेफरेंस उसके अंदर दिया है, दुनिया भर के आंदोलन इस देश के अंदर हुए, बंग भंग आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन घूम फिर के इनका 40-42 के आंदोलन पे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ क्रांतिकारी कुछ हो गया। यथार्थ 42 का आंदोलन तो टोटल फेलियर था, टोटल फेलियर था, और न केवल टोटल फेलियर था। आपको मेरे विचार से जानकारी होगी कि महात्मा गांधी ने उसके लिए औपचारिक रूप से अंग्रेजों से माफी मांगी थी। नहीं, ये जानकारी मुझे नहीं थी, ये बताइए तो। तो उनको जी ने औपचारिक रूप से 1942 के आंदोलन के लिए माफी मांगी थी, इसीलिए जब भी कांग्रेसी जो है वो 1942 के आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करके और ये कहते थे सावरकर ने उसका विरोध किया, तो मुझे बड़ी हंसी आती थी कि सावरकर ने जिस आंदोलन का विरोध किया उसका विरोध तो बाद में गांधी जी ने स्वयं कर दिया। तो सावरकर ने किया तो सावरकर ने तो उसको एक तरह से वो दूरदृष्टा थे जिन्होंने पहले से ही देख लिया था कि गांधी भी इसकी खिलाफत करेंगे, जाके बाद में मुखालफत करेंगे। एक बार जहां गिरफ्तार हुए ये कांग्रेसी और गिरफ्तारी के बाद कहीं कुछ नहीं हुआ इस पूरे देश के अंदर, और जहां सब कुछ 2-4 जगहों पे जो कुछ हुआ भी उसमें बलिया हमारी जगह थी, उस बलिया में आंदोलन के खड़ा होने का कारण बिल्कुल ही दूसरा था। मैंने शायद चर्चा की है आपके ही इसमें पहले भी कि उस आंदोलन के खड़ा होने का कारण भी सुभाष चंद्र बोस ही थे, जो इम्फाल, इनका ये कहे कि इम्फाल में हम आ गए हैं और उन्होंने जो रेडियो पे उनकी स्पीच आई जो अलग अलग जगहों पे लोगों ने सुनी, उसके बाद वो आंदोलन खड़ा हुआ जिसके अंदर बलिया के अंदर क्रांति हुई और बलिया 2-3 दिन 4 दिन के लिए आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। उसमें भी बलिया और गाजीपुर ऐसे जो छोटे 2-4 जगहें थी जहां पे लोग, जब लोग पहुंचे, जेल को खोला गया और ये जो कांग्रेसी जो जेल में बैठ के आराम से बैठे हुए थे, जब ये बाहर निकाले गए लोगों ने कहा कि चलो हमें लीड करो, तो ये कांग्रेसी तैयार नहीं थे लीड करने के लिए। हाई कमांड का ऑर्डर नहीं आया है। और गाजीपुर में तो जो वहां का जिलाधीश था उसने जब गए ये सब घेरने के लिए वहां लोग, तो पूछा कुछ कांग्रेसी ने छूट के गए, तो उन्होंने कहा भाई आप ठीक है हम छोड़ के चले जाएंगे, जैसे कि बलिया में छोड़ के चले गए थे लोग, वैसे हम छोड़ देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन हम आपके हाथ में दे देंगे, लेकिन पहले कंफर्म तो कर लीजिए हाई कमांड से कि आप लोगों को ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो ये वापस लौट गए आंदोलनकारी, ये कांग्रेस हाई कमांड से करेंगे कंफर्म। दूसरे दिन पहुंचे लोग वापस गाजीपुर कलेक्टरेट में और गोली चली, मारे गए लोग। ये हालत थी हमारे खुद के, हमारे ननिहाल के जो हमारे जो एक मामा ही लगेंगे कौशल किशोर सिंह, जो वो सबसे बड़ा बलिदान उनका माना गया बलिया बैरिया में, वो झंडा फहराने के लिए गया बैरिया थाने पे, फिर उनको गोली लगी और वहां उनकी मृत्यु हुई। तो यही 2-4 घटनाएं घटी जिसके पीछे कांग्रेस उसका कारण नहीं थी, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया गया था वो उसका कारण नहीं था। कारण ये था कि लोगों को लगा कि अब तो आ गए हैं सुभाष चंद्र बोस इम्फाल में और वहां तिरंगा फहरा दिया उन्होंने, अब तो देश आजाद हो गया, और ये भावना जो है उसने लोगों को सड़क पे उतार दिया। तो ये सबसे बड़ी घटना बलिया की ही मानी जाती है अभी तक 1942 के आंदोलन की, और कांग्रेसी उसको तमगे की तरह ले घूमते हैं और उनका कोई लेना देना नहीं था उस आंदोलन से। वो सही बात है, और
इसीलिए जब आंदोलनों की बात होती है तो आंदोलन तो बहुत और हुए हैं, जो बंग भंग आंदोलन में मानता हूं कि इस देश की अस्मिता का सबसे बड़ा आंदोलन था। कल बात महर्षि अरविंद की भी की मोदी जी ने, लेकिन जो महर्षि अरविंद का जो राष्ट्र का और राष्ट्रोत्थान का जो संदेश है, जो उनकी उत्तरपाड़ा व्याख्यान है, मेरे विचार से उस उत्तरपाड़ा व्याख्यान को कम से कम ये आरएसएस बीजेपी वाले उसकी प्रतियां छपवा के अपने लोगों को तो बांटे, लोगों को पता चले कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो अब देखिए ना, प्रधानमंत्री अब ये कह दे रहे हैं कि साहब आज जो है महर्षि अरविंद का अरविंदो श्री अरविंदो का भी जन्मदिन है, लेकिन जब वो कह रहे हैं आंदोलन की बात तो कह रहे हैं कि तकली चला के ये करके वो करके 40-42 का आंदोलन। अरे 40-42 में तकली चल और क्रांतिकारी आंदोलन, 40-42 में और तो कोई क्रांतिकारी आंदोलन हुआ नहीं था। वो तकली चलाने वाले लोग जाके जेल में बैठ गए थे और तकली चला रहे थे गांधी जी आगा खान पैलेस में बैठ के, तो यही आंदोलन हुआ था ना 40-42 का। अब भूल गए बंग भंग आंदोलन को, जिसकी जिसने जहां वैचारिक आधारशिला इस राष्ट्र के पुनरुत्थान की श्री अरविंदो ने जो रखी, जो पहली एक बृहत कल्पना और जो कर्म योगिन जो करके उन्होंने अपनी मैगजीन निकाली, और उसके अंदर एक ही नहीं, मैं आजकल क्लब हाउस के अंदर जो है उनके जो वो लेख लग छपे थे उन लेखों के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, जिससे कि अगर मान लीजिए हिंदू पुनरुत्थान का या भारत के पुनरुत्थान की कोई कल्पना हो सकती है, हर क्षेत्र के अंदर जिस तरह का पुनरुत्थान होना चाहिए उसी कोई कल्पना हो सकती है, तो उसकी आधार उसका आधार रच दिया श्री अरविंदो ने वो कर्मयोगिन के उन अपने लेखों के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने और भी जो कांग्रेस के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले और इन सारे लोगों की जो राजनीति चल रही थी उसको भी उन्होंने उसमें उजागर किया है। लेकिन जो मूल आधार है कि हमारा आधार कैसे होगा, हम कैसे हर क्षेत्र के अंदर विकास विकसित होंगे, कैसे हम व्यापार के क्षेत्र के अंदर विकसित होंगे, कैसे हम विज्ञान के क्षेत्र के अंदर विकसित होंगे, कला के क्षेत्र के अंदर कैसे विकसित होंगे, हम अपने उद्योग क्षेत्र के अंदर कैसे विकसित होंगे, उसका आधार मूल आधार क्या होगा हमारे विकास का, वो वहां उन्होंने रख दिया। आपने उसका अध्ययन तक नहीं किया है, जबकि गुरुजी और इन सारे लोगों ने उसका अध्ययन किया था, तो उसके रेफरेंसेस हर जगह ये लोग देते रहते हैं, लेकिन जो आज की जो बीजेपी लीडरशिप है उसको शून्य, कुछ पता नहीं है। अगर उसका वो अध्ययन करते तो कल्चर मिनिस्ट्री में बैठे जो गधे मिनिस्टर हैं उनको भी दिशा मिल जाती, बाकी भी मिनिस्ट्री कल्चर मिनिस्ट्री में तो शाह फैजल को लगा दिया है ना, वो करेगा कल्चर, शाह फैजल को लगा दिया है ना, तो वो तो नहीं पढ़ने वाला है अरविंदो को दिशा प्राप्त करने के लिए, उसके लिए तो ऑलरेडी दिशा मिल। तो मैं आपको बताऊं कि यदि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसको ये कहीं धोखे से पता चल जाए कि महर्षि अरविंद ने ये कहा था कि राष्ट्र धर्म का अर्थ सनातन धर्म है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत दुखी और कष्ट में आ जाएंगे, क्लेश में चले जाएंगे, और हो सकता है कि माफी भी मांग लें इस्लामियों से। नहीं, और एक्चुअली श्री अरविंदो ने जो एक बात कही जिसको पूरी तरह से गुरुजी ने माना, और वो बात जो ये कही थी कि हमारा जो है अध्यात्म वो लिव्ड एक्सपीरियंस वाला अध्यात्म है, ये हम जो है एक संरचना हमारी थी, जो स्ट्रक्चर था वो तो ठीक था, उसने हमें बचा लिया, जो हमारे रिचुअल्स थे उन्होंने हमारे समाज को बचा तो लिया, लेकिन उसके अंदर समस्याएं भी पैदा की हमारे समाज के विकास के अंदर। इसीलिए जो हमारा जो आधार होगा उसमें ये होगा कि हम अपने अपने अध्यात्म को जिएंगे, ये कहा उन्होंने, सनातन सत्य जो है उस। अच्छा, इन्होंने आज अपने भाषण में भी ये सब कहा ही है, वो सारे प्रिंसिपल उन्होंने वहीं से वो रिपीट किए हैं, लेकिन उनका कितना कमिटमेंट है उसके प्रति किस हद तक ये प्रतिबद्ध है ये नहीं समझ में आता, ये दिखाई नहीं पड़ता आपके कार्य आपकी कार्य प्रणाली में, नहीं दिखाई पड़ता। अब जैसे कि एकम सब विप्रा बहुधा वदंती, बार बार ये दोहरा देते हैं, ठीक है, क्या हुआ नूपुर शर्मा के केस में, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अगर इस सिद्धांत को मान के आप चलते हैं और आप कहते हैं कि मैं उस हमें उससे प्रेरणा लेनी है, तो नूपुर शर्मा को क्यों निकाला पार्टी से, वो तो उसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रही थी कि हर विषय पर चर्चा करेंगे इस भारत देश के अंदर, हर विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके शास्त्रार्थ करके अपने निर्णय लेंगे, ये था ना, यह है एकम सब विप्रा बहुधा वदंती की भावना। और जो इस भावना को नहीं समझता है, जो समुदाय इस भावना को नहीं समझता है, और जो
सर तन से जुदा का नारा लगाता है वो स्वीकार हो नहीं सकता। जिस मुल्ले ने, जिस मौलवी ने, जिस जुबैर ने ऐसे नारे लगवाए, इनको जेल के अंदर होना चाहिए था। अगर इनका कमिटमेंट होता एकम सद विप्रा बहुधा बदंती से, कहां है वो कमिटमेंट, वो प्रतिबद्धता कहां है? जहां विचार विमर्श अगर इनका होता तो जो जो आज मैक्रॉन कर रहे हैं फ्रांस में, वो यहां कर रहे होते, कर रहे होते, खुल के खड़े होते कि नहीं, हमारा समाज जो है यहां शास्त्रार्थ होगा, हर विषय विषय पर चर्चा होगी, और कोई किसी के गर्दन के ऊपर तलवार लेके जाएगा तो उसको राज्य जो है उससे निपटेगा, बड़ी कड़ाई से निपटेगा। तो आपके यहां जो है दोवल साहब आपके आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ उनके साथ माटबली कर रहे हैं। ये कैसा एकम सद विप्रा बहुधा बनती है केवल पढ़ने के लिए? ईश्वर करें कि जो हमारी ये चर्चा हो रही है उसको सुने प्रधानमंत्री जी, और जाने कि मूल मंत्र जो बार बार दोहराते हैं वो उसका आधार क्या है, कहां से आया है, और कितना महान मंत्र है वो, और उसके रिपरकशंस क्या है, और उसका अगर उसको उसका परिपालन करना है वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है एकजुटता बनाए रखने के लिए। और उस मंत्र को नकार के अगर कोई ये नारा लगाता है कि सर तन से जुदा जैसे नारे लगाता है और आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, आपने तो धोखा कर दिया, आपने उपनिषदिक ज्ञान के साथ धोखा कर दिया, जिस ज्ञान को बघार बघार के, उसकी बीन बजा बजा के आप सबको नचाते रहते हैं, उस ज्ञान के साथ ही स्वयं अपने आप को धोखा दे देते हैं। तो क्या मतलब है उसका? जो अगला मंत्र है, तीन मंत्र तो ये हो गए कि पहला तो विकास है, दूसरा जो है वो गुलामी की मानसिकता से स्वतंत्रता है, बार बार आज़ादी कहते हैं, आज़ादी शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में जो आज़ादी का पूरा जो अर्थ किया गया था या अनर्थ किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, वो ये था कि उन्होंने कहा कि हमें कुफ्र से आज़ादी चाहिए, और इसको ही बार बार ये रिपीट करते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ लेकिन मेरी किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही कि आज़ादी का उस समय 1940 के दशक में अर्थ क्या निकाला गया था। खैर उसको छोड़े, आते हैं फिर तीसरा मंत्र संस्कृति के बारे में है, और चौथा मंत्र है एकता। अब ये जब एकता की बात आती है तो आपने जैसा कहा कि जो कथनी है और जो क्रिया और कर्म है उसमें ये दिखाई पड़ता है कि एकता के सिद्धांत जो हैं वो सारे के सारे एक ही ओर से आते हैं, सनातन की ओर से आते हैं। जो दूसरे लोग हैं जहाँ एकता की समस्या है, जो विभेदकारी हैं, जिनका सिद्धांत विभेदकारी है, उनसे तो कुछ कही नहीं रहे, उनके लिए तो तृप्तिकरण आ जाता है और तुष्टिकरण आ जाता है, और इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो पहुंच जाते हैं मुल्ला मौलवियों के साथ मीटिंग करने के लिए, उनको इतना बड़ा शौक हो गया है, पाकिस्तान में रह रहे कि उनको शायद आदत हो गई है, और पाकिस्तान में गए थे तो वहां खतना करा के ही गए होंगे, मुझे पक्का यकीन है इसका, और सारा सिद्धांत भूल जाते हैं। यानी कि विवेकानंद जो इनका जो विवेकानंद संस्थान था इसके अंदर ये काम कर रहे थे, मूर्ख बना रहे थे हिंदूवादियों और राष्ट्रवादियों को। अगर यही करने के लिए आप वहां बैठे हुए हैं माउंटवेली करने के लिए, कि हर जगह माउंटवेली करके सोल्यूशन निकालना है, तो फिर किस बात के लिए लड़ रहे हैं आप? और जहां तक एकता का प्रश्न है तो अभी तो झंडे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं, कहां एकता, कैसी एकता, किस तरह की एकता? यहां जो एकता किसी ने दिखाई है तो हिंदू समाज ने दिखाई है ना कल, ये यथार्थ है। कल की परिस्थिति जो है, जब भी आप नारा देते हैं कि ताली बजाओ तो कौन ताली बजाने आता है, ना थाली बजाने आता है, कौन दीप जलाने आता है, कौन झंडा फहराने आता है? तो एकता तो है समाज में, और जिस समाज कभी आपसे एकीकृत नहीं हुआ उस समाज की एक जोड़ने की बात आप करते हैं, उनके तृप्तिकरण और तुष्टिकरण की बात आप करते हैं। बिल्कुल वही परिस्थिति जो 1946-47 में थी, क्या वो आधार हमारे देश के विकास का आधार होगा? जो पहला इन्होंने मंत्र दिया है, पहला प्रण है कि विकास करना है, कैसे विकास होगा इस देश का? देश का विकास ये होगा जब समाज जो है एक साथ चलेगा और उसको उसका विकास करेगा। तो कहीं कोई विकास के बारे में इंटरेस्टेड तो लगता नहीं है मुझे, एक समाज का एक हिस्सा स्पष्ट नजर आता है। तो जो आपके साथ है उसके साथ जुड़ के उसको मोटिवेट करके विकास के रास्ते पे ले चलिए, वो तो आप कर नहीं रहे हैं।
आप जो है दूसरे को तृप्तिकरण और तुष्टिकरण में इतने हो जाते हैं कि आप 35% जो है आप सारी सुविधाएं जो है आप ले जाके उस पूरे समाज को सौंप देते हैं, अपने गरीबों को। बेचारा हिंदू गरीब जो झंडा फहरा रहा है अपनी झोपड़ी पे, उस गरीब को कुछ नहीं मिलेगा। एक ब्राह्मण है उसको कुछ नहीं मिलेगा। एक ब्राह्मण बाला को लोग गाली देंगे, उसको बलात्कार की धमकी देंगे और आप चुप रहेंगे, ये होता हुआ देखेंगे, और आप फिर कहेंगे कि स्त्रियों का सम्मान करिए। आपने किया क्या सम्मान नूपुर शर्मा का? एकलव्य को जो मारा कौरवों ने, वो पाप जो है वो ढोते रह गए। तो आपने जो नूपुर शर्मा के साथ किया है, जो आपने बंगाल के अंदर किया है, वो पाप ढोते रहेंगे आप। नरेंद्र मोदी याद रखें इस बात को। प्रधानमंत्री होके लाल किले की प्राचीर से दुनिया भर के सिद्धांत बाहरने से नहीं होगा, जमीन पे करके दिखाना पड़ेगा, निर्णायक निर्णय लेने पड़ेंगे। जुडिशरी के बैठे जजों ने अपमानित किया उस लड़की को, उस ब्राह्मण बाला को, और आप चुपचाप बैठे रहे। आपका लॉ मिनिस्टर चुपचाप बैठा रहा, तो क्या बात कर रहे हैं आप? आप किस स्त्री के सम्मान की बात कर रहे हैं? आपके अंदर स्त्रियों का सम्मान है? आपका खून उबल रहा होता अगर ऐसा हुआ रहता तो। स्त्रियों के साथ बलात्कार होता रहे बंगाल में, आपने क्या किया? और कौन थे वो बलात्कार करने वाले? आप भूल गए वो सब? स्त्रियों के सम्मान की बात करते हैं, भाषण देते हैं लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को खड़े होकर, दुनिया भर की बकवास, कहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं, कहीं कोई कमिटमेंट नहीं। एक मिनट को यदि मान लें कि जो उन्होंने कहा है उस पर वो एक्ट करना चाहते हैं, तो वो एक्ट करने के लिए क्या 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 कर सकते हैं? अब देखिए, इन्होंने एक हमें लॉलीपॉप थमाया ना कि साहब, और सबने पकड़ लिया उस लॉलीपॉप को, कह रहे जरूर बात कर रहे हैं कि जुडिशरी जो है उसमें रिफॉर्म ले आना है, क्योंकि वहां बहुत नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, उसको ठीक करना है। शायद मोदी जी जो है धड़ाधड़ जाके कुछ बड़े निर्णय लेंगे। ले निर्णय, देश की जनता उस निर्णय के साथ भी खड़ी होगी आपके साथ आके। आपने नोटबंदी का निर्णय किया, देश की जनता खड़ी हुई ना, सारे कष्ट उठा के। आपका जो व्यापारी समुदाय जो आपको हमेशा समर्थन देता रहा, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ उससे, वो भी खड़ा रहा ना आपके साथ। 2019 में उसने बड़े ही तगड़े और मतदान के साथ आपको चुनाव में जिता दिया ना एक बार, और उसने, चलिए ठीक है, देश की जनता तैयार है, इतने बड़े बड़े कष्ट उठाने के लिए लाइन में लग के नोटों को एक्सचेंज करने के लिए तैयार है, देश की जनता सबके लिए तैयार है। देश की जनता इसलिए भी तैयार है कि आप जुडिशियल रिफॉर्म करें, तैयार है ना देश की जनता? आपके साथ खड़ी होगी, करिए, हिम्मत है तो बोलिए मत केवल। भाई भतीजावाद जहां भी पनप रहा है, जैसे भी पनप रहा है, जिस तरह का भी अकर्मण्यता जहां भी है, अगर आपको रिफॉर्म करना है ब्यूरोक्रेसी में, करिए रिफॉर्म, देश की जनता खड़ी रहेगी। लेकिन आप देश की जनता को छोटे कामों में तो लगा देते हैं कि थाली बजाओ, झंडा लगाओ। अरे कहिए देश की जनता से कि मैं खड़ा हूं, मेरे साथ आओ। ये जो सिर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं, इनसे निपटना है मुझे, मेरे साथ आओ। भ्रष्टाचार से निपटना है मुझे, मेरे साथ आओ। लोग आगे खड़े होंगे ना आपके साथ? आपने बुलाया ही नहीं कभी उस देश की जनता को उसके लिए। तो जो बड़े कार्य है उसमें तो आप अपने अंदर ही अंदर न जाने क्या क्या आप करते रहते हैं, और अंततोगत कुछ नहीं करते। देश की जनता तो उस समय भी खड़ी होती जब लफंगे जो है उन्होंने आपके कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आपको मजबूर कर दिया। देश की जनता उस समय भी आपके साथ खड़ी रहती। खड़ी हुई थी, लगातार खड़ी हुई थी। आपके आपने बुलाया क्या देश की जनता को? जिस तरह की गुंडागर्दी पंजाब के अंदर उस समय हो रही थी, उसके लिए भी आपके साथ देश की जनता आगे खड़ी हो जाती। आपने बुलाया क्या देश की जनता को? नहीं, आपने नहीं बुलाया। आप जो है वहां मांडवली करते रहे। तो जहां देश की जनता को बुला के कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं, देश को सही दिशा में ले जाना है, वहां चलती ना देश की जनता आपके साथ। विकास के क्षेत्र में बता रहा हूं, विकास के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जो संभावनाएं हैं, जो विकास का स्वरूप है, वो भी तो बताएं आप। ठीक है, अलग अलग आपके इनिशिएटिव अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन संस्थागत या व्यवस्थागत जो विकास होना चाहिए, जो व्यवस्था का व्यवस्था में जो परिवर्तन होना चाहिए, जो लगातार चलता रहे, तब जाके ना देश विकसित होगा। अगर मान लीजिए 4 दिन की चांदनी है, फिर 5वें दिन अंधेरी रात है, तब कहां से देश विकसित होगा? वहां जो आपके प्रशासन की जो समस्या है उसे भी तो आप निपटें। आप देखें क्या हो रहा है वहां, तो आपको उसका तो अंदाजा तक नहीं है।
बस एक बोल दिया आपने और लोगों ने कुछ आपके प्रोजेक्ट खड़े कर दिए, आपके पास फिगर आ गए, आप उन फिगर्स को लोगों को बताने लगे, लेकिन उससे काम नहीं होने वाला है। काम होने वाला है जब आप व्यवस्थागत परिवर्तन हो, जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि म्यूनिसपैलिटीज की क्या हालत है। आपने क्यों नहीं देश की जनता को जागृत किया इस बात के लिए कि म्यूनिसपैलिटीज में ट्रांसफॉर्म करना है, नगरों को ट्रांसफॉर्म करना है। आपने बड़े बड़े हाईवेज तो बना दिए, लेकिन आज जो छोटे शहर हैं आज भी नरक नुमा है, क्योंकि वहां बिना किसी योजना के, बिना किसी एक सम्यक दृष्टिकोण के वहां सारे कुछ काम हो रहे हैं। मैं कुछ समय पहले बनारस गया था संजय जी, तो मैं गया बहुत दिनों बाद, 74-75, इसके बाद 80-81 में मैंने पढ़ाई अपने काशी विश्वविद्यालय से निकला था, इसके बाद बहुत गया नहीं था मैं वहां, तो गया तो हमने कहा चलिए अब मोदी जी आ गए तो देखें क्या हुआ है। और जो मैंने वहां देखा जिस तरह का विकास, उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा। व्यवस्था की स्थिति यह है कि उस आर्टिकल को मैंने इनको भी भेज दिया, वहां से इनके पीएमओ ऑफिस से कहीं मैसेज गया होगा उनके यहाँ म्यूनिसपैलिटी को, वहां पे बनारस वाराणसी विकास प्राधिकरण को, और वहां से 3 बार फोन आया कि साहब क्या आपकी व्यक्तिगत समस्या है बताइए। और जो आर्टिकल था वो ये था कि देखिए ये बहुत सम्यक तरीके से विकास नहीं हो रहा है, अगर सड़कें बनेंगी और अगर वो नाले नहीं ठीक रहेंगे तो सड़कें हर बरसात में टूटेंगी। वही स्थिति आज भी बनी हुई है, वो स्थिति अभी भी गुजरात में बनी हुई है, अहमदाबाद में बनी हुई है। तो ये व्यवस्था में जो परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि सब कुछ जो है सम्यक और समग्र तरीके से किया जाता है, वो भी नहीं हो रहा है। तो वो भी दिशा आप तब ले सकते हैं जबकि अगर आपने अरविंदो को पढ़ा हो, वो दृष्टिकोण लेके चल सकते हैं कि हमें जो व्यक्ति भी इस कार्य में लगा है, चाहे वो ठेकेदार हो जो भी हो, उसके अंदर वो भावना हो, वो भावना उसके अंदर आप जगाएं और उसको उस भावना को जगा के आप उससे अपेक्षा रखें कि वो इतना सुंदर काम करे कि सारी दुनिया उसके ऊपर दंग हो जाए, वो भी तो नहीं हो रहा है। समस्या ये है। चलिए इनको एक एक करके लेते हैं। एक मान लीजिए एक एक्शन प्लान बनाना हो और कि ठीक है हम एक बार संदेह का लाभ देते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और ये करना चाहते हैं, तो यदि मानसिक दासता से मुक्ति दिलवानी है तो क्या करना चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? अब मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही है, अब संस्कृति और शिक्षा के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र मान के आप चल रहे हैं। वहां एनसीईआरटी संस्कृति जो है वो तीसरा प्रण है, संस्कृति हाँ। का उत्थान जो है वो उनका तीसरा प्रण है और दूसरा हाँ। प्रण है मानसिक दासता से मुक्ति, तो दोनों एक साथ ये मान सकते हैं कि ये दोनों एक साथ जो है वो एक दूसरे और जो कॉलोनियल सिस्टम आपके चले जा रहे हैं उन सारे सिस्टम्स को आपको करना है। अब उसमें आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसमें आपको कोई साई दीपक जैसा कोई व्यक्ति है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कोई आप जैसा व्यक्ति है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और भी दुनिया भर के थिंकर है उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राजीव मल्होत्रा है उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे कई थिंकर है जिन्होंने बड़ा निश्चित एक दृष्टिकोण रखा है, संक्रांत सानू को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि अब ये लोग कहते हैं ना कि सब कुछ चेंज कर देंगे, पता चला क्या हुआ, संक्रांत सानू से बता रहे थे किसी कार्यक्रम में आपके कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेजी स्कूलों को जो है प्रमोट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे योगी जी उन अंग्रेजी स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, वो बंद कर दिया गया है, वो बंद हो गया वो प्रोग्राम। अब ठीक है, एनईपी के बाद से उन्होंने बंद कर दिया वो। तो उसके बाद जो है, हालांकि हमारे राजस्थान में अब बहुत जोर शोर से हो रहा है वो, बताइए। तो अब ये जो सब कुछ है उसमें एक मान लीजिए एक सम्यक दृष्टिकोण ऐसा बनाना है और सबको वो दिशा देनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, एनईपी ही मान लीजिए इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए इन सारे लोगों को लेके आप खड़ा करें। अगर आप मान लीजिए आपने किताबें लिखना शुरू कर दी हैं, सब कुछ किया है, तो वो काम और भी तेजी से हो सकता है और ये बहुत पहले ये शुरू हो जाना चाहिए था वो सारा काम, मुझे ऐसे अपेक्षा है कि ऑलरेडी बहुत कुछ काम हो चुका होगा। अब उसको जो है बहुत ही बड़ी तेजी के साथ इम्प्लीमेंट करना है, सब अपने आपका जो नेतृत्व है स्वयं का, आपका जो प्रादेशिक नेतृत्व है उसको सेंसिटाइज करिए कि ये है इसकी ये पूरा इसकी इसका ये विजन, ये है कंप्लीट विजन। एनईपी जो है वो अभी भी लिमिटेड डॉक्यूमेंट है, उससे भी ज्यादा एक्सपैंड करके उसको चलना पड़ेगा और वो एक लिमिटेड विजन जो है अपने लोगों को ही आप देना शुरू करें। आपके शिक्षा मंत्री को लिमिटेड विजन मिल जाए, आपके ब्यूरोक्रेट्स के पास कितना लिमिटेड अनलिमिटेड है हमें पता नहीं है, लेकिन वो मिल जाए। एक ऐसा ना हो कि एक एनईपी डॉक्यूमेंट ऐसे ही सर्कुलेट हो और एक कुछ सतही तौर पर उसका काम हो जाए। तो एक उसका एक अध्ययन करके उस क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो है डीकॉलोनाइज करने के सारे प्रयास किए जा सकते हैं। दूसरी एक बात और है, ऐसा नहीं है कि हमारा डीकॉलोनाइज शुरू से ही नहीं रहा था। जब हम लोग संस्कृत की शिक्षा लेते थे, मुझे याद है कि जब लोग पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, उन दिनों पढ़ा करते थे, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हमें कृषि की भी शिक्षा मिलती थी, हम जाके खेती करते थे, वो सब भी उसका एक हिस्सा था, क्योंकि चूंकि बलिया एक तरीके से खेतियर प्रदेश जिला माना जाता था, तो वहाँ उसका भी प्रबंध रहता था,
तो ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम और व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे इंट्रोड्यूस नहीं की जा रही थी, वो सब की जा रही थी, लेकिन अब उसको और भी तेजी से आप चाहे तो कर सकते हैं, या आप बहुत पहले कर सकते थे, आप कर लीजिए ना एक दो साल के अंदर। एनईपी को अनाउंस किए हुए भी हमारे ख्याल से एक दो साल हो गए अब तो, जैसे ही ये सत्ता में आए थे उसके ठीक बाद ही इन्होंने एनईपी पहला इन्होंने जो उसको अनाउंस किया था, इसके बाद उसके ऊपर जो इन्होंने ऑब्जेक्शन मंगाए थे उसमें एक साल डेढ़ साल लगाया उन्होंने, तो दो साल तीन साल तो उन्होंने एनईपी में ही निकाल दिए। उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें किसी को पता नहीं। उसमें करें तो करिकुलम फ्रेमवर्क बन रहा है, उसकी कमेटी बनी हुई है, उसका कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है अभी। एक वर्ष हो गया, कितने वर्ष हो गए, एक वर्ष हो गया, एक वर्ष उस करिकुलम फ्रेमवर्क की कमेटी को बने हुए हो गए लगभग। कौन सी बेसिक एजुकेशन का करिकुलम बना रहा है अभी कि बाकी भी का बना रहा है? ओवरऑल अलग अलग बनाएंगे। तो कम से कम बेसिक एजुकेशन का ठीक कर देते हैं, एनईपी का महत्व तो वही है सबसे ज्यादा, उसी को ठीक कर लेते, उसी को तुरंत ले आ देते, उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते, उसको कम से कम यही कर देते कि उत्तर प्रदेश में जो है कुछ तमिल शिक्षक और बाकी भारतीय भाषाओं के शिक्षक जो है उत्तर प्रदेश में ले आते, उत्तर प्रदेश से वहां तमिलनाडु में भेजते, यही करते। ये सब कुछ एक बहुत ही विशद स्तर पर इस कार्य को किया जाना चाहिए था, हो रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं जी। न्याय के क्षेत्र के अंदर तो जो न्यायपालिका है उस क्षेत्र के अंदर तो जो कुछ किया जाना है उसके तो सारा स्वरूप सारा दृष्टिकोण दुनिया भर के वकील जो है वो ले आके सामने रख रहे हैं, कम से कम उन्हीं को अपने साथ जोड़ते, उनकी बात सुनते, उन्होंने जो कुछ विचार किया उन सारे विषयों पर उसको ध्यान में लेके फिर आगे बढ़ते। वैसे ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, जो प्रशासन के क्षेत्र के अंदर इनको डीकॉलोनाइज करना है, वहां भी सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन वहां कहां डीकॉलोनाइज हो रहा है, वहां तो आप अभी भी शिक्षा देने वाले जो है उनको सिद्धार्थ वरदराजन पढ़ाने के लिए आते हैं, द हिंदू के कॉलम राइटर को पढ़ पढ़ के हमारे देश के की जो प्रशासनिक सेवा में जाने वाले लोग हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं, योगेंद्र यादव उनको आके पढ़ा रहे हैं, तो कहां वहां परिवर्तन होगा, वहां कहां से डीकॉलोनाइजेशन होने वाला है, वहां तो मार्क्सिज्म आने वाला है। और वहां तो उन्होंने बात की है ना वहां अपने अपने भाषण में कि साहब हमारा परिवार ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार ये सब बात की है, यहाँ तो मार्क्सिस्ट आपको ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं जो आपके संयुक्त परिवार, आपकी संयुक्त परिवार तो छोड़िए आपके न्यूक्लियर परिवार व्यवस्था को भी तोड़ने के प्रयास कर रहा है, और बहुत ही ऑर्गेनाइज संगठित तरीके से काम किया जा रहा है, और आपकी समझ में भी नहीं आ रहा है, आपके कानून मंत्री उन कानूनों को लेकर अप्रूव करा देते हैं, आपको लगता है कि आप कुछ महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि आप जो मूल व्यवस्था है हमारे परिवार की जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करने की परिस्थितियां निर्माण कर रहे हैं जी। दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, साथ में हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, और लाइक करने के साथ साथ अब हमें सब्सक्राइब करें और पत्रम पुष्पम ना भूलें। तो इसी पे आगे चलते हैं। संस्कृति के क्षेत्र में जब भी कोई बात आती है तो अब संस्कृति के क्षेत्र में जैसा मैं कह रहा था, जो संस्कृति मंत्रालय है उसके बहुत जो मुख्य कार्य हैं उनको पूरी तरह से गौण कर दिया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस समय आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के लिए फंड नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण एक्सकवेशंस हैं वो एक तरह से बिल्कुल नेपथ्य में चले गए, और कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो इस इन कार ऐसे कार्यों में व्यस्त है जिसमें पुराने मुगल कालीन जो आपके स्थापत्य हैं उनके संरक्षण में अधिक व्यस्त है, बजाय इसके कि वो जो हमारा प्राचीन कालीन इतिहास है जिसकी जो शोध है वो पिछड़ रहा है उसमें वो इन्वेस्ट करे। तो मेरे विचार से ये भी एक बिंदु हो सकता है। बिल्कुल, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर मान लीजिए उत्खनन के कार्य सब रुक गए हैं तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, आप जो है सैकड़ों करोड़ रुपया जो है अजायब घर म्यूजियम बनाने पर खर्चा कर रहे हैं दुनिया भर का, वो म्यूजियम कहाँ से बनेंगे जब तक उत्खनन नहीं होगा, कोई नई चीजें नहीं निकलेंगी, तो आप तो मैंने देखा है इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बन गया है अब पता नहीं वो कैसा बना है देखें, मैं तो मैंने मधु जी से कहा था कि देख के आइए आप अपनी राय दीजिए, लेकिन परिस्थिति यह है कि मैंने इनका तो नेशनल म्यूजियम देखा है उसकी इतनी बुरी हालत है, उसका कहीं कोई मतलब कि
अगर ग्लोबली देखा जाए, अगर उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो वो बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। तो आपके म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तब होंगे जबकि आपके शोध उस स्तर के हुए होंगे, जब आपकी आर्कियोलॉजी ने ऐसे कुछ काम किए होंगे। तो आपने तो ये सब किया नहीं है, आप बेमतलब में पैसा खर्चा कर रहे हैं म्यूजियम बनाने पे। कितने लोग उन म्यूजियम्स में जाएंगे कोई जानता नहीं है, लेकिन जो ये आर्कियोलॉजिकल जो उत्खनन और ये सारे सब कुछ काम अगर होंगे तो उसमें जो नए शोध होंगे उसका जो एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सारी दुनिया के ऊपर, पता नहीं, वो तो नहीं रुकना चाहिए था, कैसे रुक गया? मैंने तो सुना था कि आप सरस्वती और वहां तो बैठे हुए हैं लोग, इनके यहाँ जो बड़े बड़े नामी गरामी लोग जो इन सारे विषयों को अच्छी तरह समझते हैं, ये सारे लोग वहाँ नीति आयोग में बैठे हुए हैं, इनके इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, बाकी क्षेत्रों में भी इनको सलाह देते रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो कैसे ये होने दे रहे हैं? संस्कृति मंत्रालय को तो ये लोग अच्छी तरह संभाल सकते थे, क्योंकि उन सारे लोगों के भाषण मैं जब सुनता हूं तो मुझे लगता है कि वो सान्याल है, इन सारे लोगों के भाषण सुनता हूं तो मुझे लगता है कि इनसे बेहतर किसी की समझ नहीं है संस्कृति की और आर्कियोलॉजी की और हिस्ट्री की। कम से कम इन्हीं के विचार लेके आप अपने संस्कृति मंत्रालय को और सुगठित करें, आप वहां रिफॉर्म करें, वहां के जो ब्यूरोक्रेसी है उसको चेंज करें, लेकिन कहीं कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। मैंने देखा उस दिन तो संस्कृति मंत्रालय ने अभी एक नया आया, पता नहीं कहां से मेरे पास आया व्हाट्सएप मैसेज कि साहब किसी ने झंडोत्तोलन कर दिया, तिरंगा फहरा दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो वाइस चांसलर साहब या रजिस्ट्रार साहब की छुट्टी कर दी गई। अब ये न्यूज मुझे भेजा था एक ये संस्कार भारती के बड़े पुराने सदस्य हैं, उन्होंने ये खबर मेरे पास भेजी थी कि उनको रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर उनको निकाल दिया एनएसडी से, उनको डिसमिस कर दिया, केवल इसलिए कि वहां एक विशेष स्थान पे वहां झंडो तिरंगे का से रिलेटेड कोई कार्यक्रम हुआ और वहां विद्यार्थियों ने, जो वामी विद्यार्थी है, उन्होंने कहा कि साहब यह स्थान उसके लिए नहीं है और इस कारण से थोड़ा बहुत आंदोलन हुआ और उसको इन लोगों ने निकाल दिया। ये मुझे एक खबर मिली थी, तो ये तो हालत है वहां। तो डीकॉलोनाइजेशन के लिए सबसे पहले तो जो ये लेफ्टिस्ट बैठे हुए हैं पूरे के पूरे सिस्टम में, इनको ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि 370 हटे हुए 3 वर्ष हो गए और सैयद सलाउद्दीन के बेटे को और दूसरे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को, बिट्टा कराटे की बीवी को, इनको अब जाके 3 साल बाद इनको पता चला कि ये सब जो है ये सरकारी कर्मचारी बने बैठे हुए और अब जाके इनको हटाया गया है। तो यहाँ मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत धीमे धीमे पता चलती हैं। वैसे तो यदि लेफ्टिस्ट को वीड आउट करना हो तो वो किस प्रकार करना हो, तो ये काम तो हमको आपको दे दिया जाए तो हम लेफ्टिस्ट को आराम से वीड आउट करते 6 महीने में ही। जी जी बिल्कुल, ये कुछ इनको वो सब आया तो उन्होंने 6 महीने में ही सब बारह नारा कर दिया और ये लोग 8 साल से बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। ये सारे यही तो बात है, उन्होंने तो 6 महीने में सारा निपटा दिया था जब आए थे, और जबकि उनकी सरकार भी अल्पमत की सरकार थी, कांग्रेस की तो 145 सीटें थी, लेकिन 145 में भी उनकी चूंकि इच्छा शक्ति थी तो उन्होंने आते ही सारा सारा करिकुलम चेंज कर दिया, सारे जितने भी इनके लोग थे उनको सबको हटा दिया, सब कुछ उन्होंने मतलब एक साल में तो सारे वारे न्यारे हो गए थे सबके सब बिल्कुल। सोनिया जी के जिसको कहते हैं कि उनकी भ्रकुटी देख के काम करने लगे थे, और यहाँ तो 8 वर्ष हो गए, जिसकी जो मर्जी होती है वो करता है सब हमारे, अब तो लेफ्टिस्ट बैठे हुए। शिक्षा एनईपी को इम्प्लीमेंट करने वाले भी लेफ्टिस्ट हैं वैसे, जस्ट बाय द वे आपको बता दूं। लीजिए तो कितने शौक से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे आप समझ सकते हैं, और कितना उत्साह उनका उसके अंदर होगा। वो अपनी तो टाइम पास कर रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं इस उम्मीद में कि अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं, 2019 में तो मोदी नहीं हारा, 2024 में कहीं निकल जाए तो हम इसको वापस पलट देंगे, वहीं ले आएंगे जहां ये 2014 में था। वो अपना टाइम पास जैसा, कर रहे हैं जैसा नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं ना, नीतीश कुमार जी की 2024-2014 में नहीं होगा, हालांकि ये अलग बात है कि 2014 में भी उन्होंने यही बात कही थी और मुंह की खाई थी। नीतीश कुमार नहीं तय करने वाले हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, और इन लोगों की क्षमता नहीं है कि ये सब तय करेंगे, ममता बनर्जी नहीं तय करेंगी, सोनिया गांधी नहीं तय करेंगी, ये विपक्ष नहीं तय करने वाला है। देश का प्रधानमंत्री वही तय करने वाला है जो ये तय करता है कि लाल सिंह चड्ढा चलेगी कि नहीं। तो अब ये है, जिसको तय करना है वो उस समय तय कर लेगा, वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि जो 2014 से 2019 तक आपने इतने कठोर निर्णय लिए
जबकि आपकी उस तरह की मेजोरिटी भी नहीं थी, और तो आज 2019 के बाद आपने निर्णय लिया और उन सारे निर्णयों पर बैकट्रैक करते चले गए। ये विडंबना अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रही है। हमने कहा कि और भी आत्मविश्वास के साथ जब बढ़ने की आवश्यकता थी, जनता ने कह दिया था कि अब चलो और आगे बढ़िए तेजी से, जब ये कहने के बाद ये इंडिकेशन मिल गया, तो फिर बाकी क्यों ये समझौते हुए? और बार बार आप कह रहे हैं कि विदेशी मानकों पे हमें नहीं चलना है। यहाँ विदेशी मानकों, विदेशी पत्रिकाओं में छपे हुए लेख जो है आपका सब कुछ अगर तय करने लगे, आपके निर्णय जो है वो उसको प्रभावित करने लगे, कि अगर कहीं टोरंटो के अंदर या कहीं कुछ किसी जगह कहीं कुछ सिख समुदाय जो है वो विरोध कर रहे हैं आपके कृषि कानूनों का, तो इसका आपके ऊपर इतना असर पड़ जाए कि आप कृषि कानूनों को वापस ले लें। कहीं कोई कतर में कहीं किसी ने आपका एक कहीं आपत्ति उठा दी, तो उस पर आप जो है अपने एक स्पोक्स पर्सन को, एक महिला को वहां निकाल दें। तो ये क्यों कर रहे हैं? इसका कोई कारण नहीं है। तो आप जिस आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, जिस जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिस तरह के रिनेसा की बात कर रहे हैं आप, पुनर्जागरण की जो बात कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं उसको, ये पुनर्जागरण का आधार तो भारतीय जनता ने आपको दे दिया था कि आप करिए पुनर्जागरण, हम भी जागृत हो गए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जब वो मिल गया आपको अधिकार, वो सारा अधिकार लेने के बाद फिर कैसे बंध गया, क्यों रुक गया? तो अब जो आप बोल रहे हैं वो कहने के बाद कुछ करेंगे कि नहीं, उसके बारे में तो मन में शंका पैदा होगी ना, मेरे मन में एक नेचुरल स्वाभाविक शंका पैदा होगी कि आप केवल कह रहे हैं या करेंगे भी। जैसे कि बड़े उत्साहित थे अजित भारती जी, बड़े उत्साहित थे, ट्विटर पर मैंने देखा कि सारे जो सो कॉल राइट विंग के लोग थे बड़े उत्साहित थे कि भाई अब तो लगता है कि जुडिशरी के ऊपर भी कुछ होने वाला है, और ये भी लगता है कि जितने भी ये सब चल रहे हैं ईडी वाले केस जो है, इनका एक लॉजिकल कंक्लूजन बहुत जल्दी होने वाला है, कुछ कमाल होने वाला है। अरे ये कमाल होना था तो आपने पद्म विभूषण को दिया, शरद पवार को। शरद पवार के भ्रष्टाचार का मोडस ऑपरेंडाई आपको पता नहीं है? इस देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार के केसेस होते हैं संजय जी, जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका मोडस ऑपरेंडाई और उसका तौर तरीका किसी को पता नहीं है? उसके लिए ईडी इन्वेस्टिगेट करे या नहीं करे, राजनीतिक वर्ग तो इस बात को जानता है कि भ्रष्टाचार कैसे होता है, सब जानते हैं उसको कैसे होता है और कहां कहां होता है। जब आपको ये पता है तो आप उसी समय ये इनिशिएटिव, ये पहल ले लेते हैं। अब देखें आज ये आप पहल लेते हैं नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए जो एक महत्वपूर्ण कदम जो आपको उठाने हैं, जो अधिकार फिर से पार्लियामेंट में आपके पास है, वो आप करेंगे क्या, ये सोचने की बात है। अगर अगला कोई चीफ जस्टिस जो है कहीं भाई भतीजावाद के कारण आया हो, उस चीफ जस्टिस को रेकमेंड किया जाए, अगर जस्टिस को सीजीआई बनाने के लिए रेकमेंड किया जाए, तो आप उसको नकार देंगे क्या? कह देंगे कि नहीं करेंगे साहब, ये भाई भतीजावाद नहीं चलेगा? आप अपनी पार्टी में तो नकार देते हैं, आप अपनी सरकार में तो नकार देते हैं, लेकिन वहां जब वो आएगा, रेकमेंड किया जाएगा, तो आप कह देंगे क्या कि नहीं बैठो घर पे, हम तुमको सुपरसीड करेंगे, बहुत देख लिया तुम्हारा भाई भाई भतीजावाद, ये नहीं चलने देंगे, करेंगे क्या आप? तो आप जब करेंगे नहीं तो बोलिए मत, अगर बोल दिया है तो करिए। जनता ये आपसे अपेक्षा रखती है कि लीजिए महत्वपूर्ण निर्णय, जम के डर किस बात का है? आप कह रहे हैं ना कि देश जो है वो पुनर्जागृत हो गया है, तो आप केवल हम लोगों से ही अपेक्षा रखते हैं क्या कि हम लोग खाली पिटते रहे? अरे हमसे भी कुछ बड़े काम की अपेक्षा रखिए, ये कल्पना करिए। तैयार है सभी, ये तो बात सही है, तो लोग तो तैयार है बड़ा काम करने के लिए। वो शाहीन बाग में एक बार जनता का आह्वान किए थे, वो तो जनता को जाके हटा देती है। बिल्कुल ये इनको बेचारे, इनके खिलाफ तो बेचारे वहां के जो निवासी थे वो खड़े भी हो गए थे, इन फर्जी किसानों के, तो उनको ही पुलिस से कह के और उनके ऊपर कार्रवाई करवा दी, नहीं तो वो तो अकेले जो वहां के निवासी थी वही हटा देते इनको। अभी उनकी आप कैसे रोजी रोटी बंद कर सकते हो, उनका रास्ता कैसे बंद कर सकते हो? बिल्कुल यही, जो ये जो किसान, किसानों के नाम पे जो लफंगे वहां बैठे हुए थे, ये जो ये सब जो क्या नाम है, ये यादव जो है था, ये सब जो बैठे हुए थे, इनको आप एक झटके में निकाल बाहर करते वहां से। 10 लोग बैठे हुए हैं, सड़क लोग रोक ले रहे हैं, आप होने दे रहे हैं ये सब? अरे आपको अधिकार दिया है जनता ने, वो आपसे अपेक्षा रख रही थी, कह रही थी, बार बार आपको टहोका लगा रही थी, करिए करिए करिए। 26 जनवरी को तो योगी जी ने कार्रवाई कर भी दी थी, उनको रोक दिया लास्ट मोमेंट पे। तो आप देखिए, कोई भी इस देश की समस्या जो है, अगर ये आप मान के चल रहे हैं कि साइड स्टेप करते हुए इधर से उधर जाके करेंगे तो वही होगा। जो काम 6 महीने में हो सकता है, वो आप उसके लिए 8 साल लगा देंगे, फिर भी वो काम नहीं होगा। क्या आपके पास इतना समय है? इस देश के पास इतना समय है?
अगर इस देश को बदलना है और इस देश को सही में दुनिया को कुछ देना है तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं है संजय जी, बहुत समय की कमी है। ये सब कुछ जो परिवर्तन होने हैं बड़ी तेजी के साथ होने हैं और बहुत ही प्लान तरीके से, उसको सही तरीके से सही सोच के साथ होना है और एक युद्ध स्तर पर यह सारी कार्रवाई होनी है, हर क्षेत्र के अंदर युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा। तो वो मानसिकता आपको तो बनानी पड़ेगी, आप जनरल हैं, आप लीड कर रहे हैं हमको, तो आप मानसिकता बनाइए कि लड़ना है भाई, लड़ाई आओ जवानों लड़ते हैं। तो वो परिस्थिति निर्माण सेनापति सेनापति का साहस दिखाएं, हम जनता तो साथ में है ही खड़ी। बिल्कुल, जब नोटबंदी में खड़ी हो गई तो ये तो छोटी बात है। आइए प्रश्न ले लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। सबसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें सपोर्ट करने के लिए जो नीचे आपको दिख रहा है लिंक चल रहा है उसी लिंक पे आपको क्लिक करना है, क्लिक आप डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं। वरुण जरियाल, हाय सर, व्हाई बीजेपी दिल्ली इज मोस्ट इनकॉम्पिटेंट ऑपोजिशन। मैं दिल्ली के लोग हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि लीडरशिप की समस्या है वहां, नेतृत्व समस्या है, भारी समस्या है वहाँ के जो लीडर हैं उनका। सब मैं बता देता हूँ जो मुझे ध्यान है, वो वहाँ का जो पूरा का पूरा लीडरशिप है वो मदन लाल खुराना जी के जाने के बाद से वो सारे के सारे कार्यकर्ता से लेकर और ऊपर तक वो सब सुविधा भोगी हो गए हैं। सुविधा भोगी होने के साथ साथ जो उनकी पकड़ थी राणा साहब के समय में वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब वो एयर कंडीशन राजनीति करते हैं, इसीलिए वो इस समय किसी भी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के लोगों को चुनौती देने में सक्षम नहीं है। जबकि देखिए ना, उसको उस एक मक्कार नेता को चुनौती देना कितना आसान होना चाहिए था, लेकिन आपके अंदर भी वही पैशनेट पैशन हो ना कि हम इस मक्कार नेता को चुनौती देना चाहते हैं, उस पैशन के साथ जो पैशनेट लीडरशिप होती है वो लोग रिकग्नाइज की जाती है, जनता उसको पहचानती है और उसको पहचानेगी। लेकिन अगर आप कुछ एक फॉर्मलाइज लीडरशिप बना के वहां खड़ा कर देते हैं और कहा जाता है भाई यहाँ ये विरोध कर दो, वहां वो विरोध कर दो, नहीं, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि इस मक्कार को, इस भ्रष्ट को, इस देशद्रोही को उखाड़ फेंकना है। तो कहाँ है वो पैशन, वो जोश कहाँ है आपके अंदर? ऐसा कोई नेता वहां होगा भी तो उसको आप आगे बढ़ने नहीं देंगे, आप कहेंगे कि साहब ये कहीं अपने आप अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व न बना ले। तो ये सब बहुत चिंता करने से नहीं होता है। अगर स्वतंत्र अस्तित्व न बनाएंगे हेमंता बिश्व शर्मा असम में तो कैसे काम चलेगा? तो बनाना पड़ेगा ना, तो बनने दीजिए, क्या समस्या है? लेकिन लड़ाका आदमी चाहिए कोई जो लड़े हर स्तर पे, कि आओ लड़ो, तुम कितने बड़े मक्कार हो उससे भी बड़ा मैं हूं, छठे साठम समाचारे भगवान कृष्ण के सारे मंत्र लेके जो चले वो है। वो यहाँ नहीं साबित करना है कि कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं, ये सब देखिए, ये सब तो गाली देते हैं, ये करते हैं ना, एक गाली जो 25 गाली देंगे। आओ तुम प्रधानमंत्री को बोलते हो, तुम सबको जो है गाली देंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। तुम देशद्रोही हो, तुम मक्कार हो, ये मादा होना चाहिए वहां के नेतृत्व के अंदर। ये नहीं होने देंगे कि हम देश को बिकने देंगे, ये नहीं होने देंगे कि तुम ऐसे मक्कार जो है वो राजनीति के अंदर सफल हो जाए, ये होने नहीं देंगे किसी हालत में। ये भी जिम्मेदारी है हमारी, ये भी इस नेतृत्व की, मोदी जी की भी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के नेतृत्व को हम कहीं टिकने नहीं देंगे, देशद्रोही टाइप के नेतृत्व, मक्कारों और बेईमानों के नेतृत्व को, ये जिम्मेदारी है हर हर बड़े नेता की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को निकाल बाहर करे और जो कुछ भी उसके लिए प्रयास करने वो करे, बेहिचक करे। जी नेक्स्ट, रगी पिल्ले, व्हाई गवर्नमेंट नॉट ब्रिंगिंग इन एजुकेशन रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड नाउ। इसके बारे में वैसे चर्चा हमने कर ली है जब एनईपी की बात की थी, तब तो एनईपी के संदर्भ में, जो एनईपी पे चल रही है धीरे 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 आराम से चल रही है, एनईपी ले आए हैं तो आगे भी कुछ हो जाएगा मेरे विचार से, अगले वर्ष तक कुछ हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, मुकेश सिंह, ये बात अब सबको समझ लेना चाहिए कि मोदी जी बस जुमलेबाजी करेंगे, फोकस तो बस उनकी मुस्लिम अपीजमेंट पे लगी है, आज भी दो कश्मीरी को गोली मार दी, नो वर्ड्स ऑन सर तन से जुदा। यही है जब आप ये सबसे बड़ी त्रासदी है हम सारे लोगों की कि कहीं कोई शब्द तक नहीं निकलता, और लाल किले की प्राची से दुनिया की बातें कर दी जाती है, लेकिन ये जब कुछ हो रहा है उसके ऊपर कहीं से एक कोई शब्द, सहानुभूति के शब्द अगर सुनने को मिल जाते तो भी आदमी के मन में थोड़ा सा चैन पड़ता, लेकिन कहीं कुछ नहीं है ऐसा।
और ये दुराव क्यों, ये क्यों है, ये अभी तक ये जो फिनोमिनन जो है ये पता नहीं किस मनोवैज्ञानिक को समझाना पड़ेगा हम सारे लोगों, सिवाय इसके कि ये कोई पृथ्वीराज चौहान टाइप का सिंड्रोम कुछ है, ऐसा कुछ है जिसके कारण ये परिस्थिति बन रही है। नेक्स्ट मृत्युंजय चौधरी जी कह रहे हैं मोदी हटाओ पप्पू लाओ एसटी और ये गुस्से वाले। भाई गुस्से वाले तो हम लोग हैं लेकिन उद्देश्य जो है हमारा वही है जो शायद आपका भी है। पप्पू नहीं आएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए, आप बहुत ज्यादा ऐसे किसी निर्णय पर ना पहुंचे, पप्पू नहीं आएंगे। हमारा क्रोध है अपनी जगह पे, क्रोध है हमारा, प्रयास है कि कभी कभी होता है ना वो भगत सिंह का था कि थोड़ा सा जोर से बोलो तो शायद सामने वाला सुन ले, चुप लगा के बैठे रहोगे कोई सुनेगा नहीं, थोड़ा जोर से कभी कभी बोलता है, लेकिन उद्देश्य हमारा यही है राष्ट्रवादी हिंदूवादी सरकार बनी रहे। नेक्स्ट हिम डूड, क्या सिर्फ जो सामने से आकर इस्लाम पर बात करने वाले का गला काटने वाले को गिरफ्तार कर लेने से जिहाद को रोका जा सकता है, यह आतंक में सहायक है? रोका जा सकता है, हमने इतिहास गवाह है इसका कि रोका गया है, ये महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में ये रोका गया। जब एक बार सत्ता और विशेष रूप से शासन जो है अगर ये निर्णय ले लेता है कि हम नहीं तुम्हें बख्शेंगे, तुमने अगर ये शब्द भी बोल दिया तो तुम्हें हम सड़ा देंगे जेल में, जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम्हारी, अगर एक बार ऐसा एक निर्णय निर्णायक शासक होगा तो ये सब रास्ते पे आ जाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कि फिर वो आके खड़े हो। जब इनको लगता है कि सामने वाला लिजलिजा है और वो इसको स्वीकार कर लेगा, हमारे साथ आके मांडवली करने लगेगा, तब जाके इनका दिमाग चढ़ता है। बिल्कुल हो सकता है एक निर्णायक निर्णय लेने वाला शासक होना चाहिए कि नहीं बर्दाश्त करेंगे, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, इस जमीन पे हर विषय सूर्य के अंदर जितने भी विषय जो है आएंगे सूर्य की रोशनी के अंदर उनके ऊपर खुल के और विशद चर्चा होगी, अगर तुमने बात भी कर दी गला रेतने की तो तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे हम लोग। ये ऐसा प्रशासक होना चाहिए, जैसे गाय मारने जाओगे जिंदा जो है मतलब कि हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये था महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में डोगरा और सिख एम्पायर में, तो ये परिस्थिति होनी चाहिए। तो वो रिजॉल्व वो अपने अंदर जो है वो दमखम रहे तो ये सब ठीक ठाक रहेंगे, वो कोई परेशानी की बात नहीं है, और अगर हिंदू समाज एक रहा तो वैसे भी ये ठीक ठाक रहेंगे। जी अगला प्रश्न आर अग्रवाल, पिछले साल 26 जनवरी पर लाल किला हिंसा में तिरंगे का अपमान हुआ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये हर घर तिरंगा करके किसको मूर्ख बना रहे हैं? नहीं, हर घर तिरंगा हुआ अच्छा हुआ, तो अच्छी बात थी, लेकिन उस समय जो हुआ उसके प्रति तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वहां उस समय फिर से वही हो रहा था, तुष्टिकरण और वो दूसरा वाला कौन सा सब तृप्तिकरण ये हो रहा था, इनको लग रहा था कि ये सब करके जो वो जो खालिस्तानी एलिमेंट्स उनको प्लेकेट कर लेंगे, वो प्लेकेट नहीं होता है, इस तरह के एलिमेंट जब आप उनको इस तरह की छूट देते हैं तो प्लेकेट नहीं होते हैं, वो एम्बोल्डेंड होते हैं, उनका जो कैचमेंट एरिया है वो बढ़ जाता है, उनके समर्थक बढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो हम ये कर सकेंगे, और वो चल रहा है पंजाब के अंदर, यही स्थिति है वो अभी भी, वो स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अरे ये बर्दाश्त कर लेंगे, ये स्वीकार कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग जो खेल खेलना है खेलें। नेक्स्ट पल्लव दास जी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, अनुसंधान के लिए बजट कब बढ़ाएंगे, बिना रिसर्च के कैसे होगा डेवलपमेंट? ये तो देखते हैं बजट आएगा तो अगला जो है उसमें क्या करते हैं, और कुछ है तो नहीं, वही वाली बात है कि जो कुछ भी कह रहे हैं वो कथनी जो है वो करनी से मैच होनी चाहिए, नहीं तो फिर वही वाली बात है कि लोग कहेंगे कि साहब सिर्फ जुमला था, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला बता रहे थे ना, वहां तो सारा अनुसंधान रोक दिया, मैंने कल्चर मिनिस्ट्री में आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में या हिस्ट्री के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अनुसंधान जो होता है वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ही होता है, वो आर्कियोलॉजिकल उत्खनन का ही होता है, तो उसको ही आपने रोक दिया, उसके लिए फंडिंग नहीं आप कर पा रहे हैं। और अगर आज मैं आपसे बता रहा हूँ संजय जी, मान लीजिए आपको ये बुला के एक बार कहें कि भाई ये सारा सब कुछ है बजट, ये अलग अलग विभागों का ये हम आपके सामने रख रहे हैं, आप बताइए कि इसमें क्या बचाना है, क्या कट सकता है और क्या कहाँ लगाया जा सकता है, आप बता देंगे इनको कि 50-60 हजार करोड़ रुपए जो है किस तरीके से बच जाएंगे, उनका कहाँ सदुपयोग हो जाएगा, अभी भी सब कुछ जो है जिस तरीके से लीकेज इनका होता है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इनके हो रहे हैं, सब देख नहीं रहे हैं हम लोग, जानते नहीं है, सारी ब्यूरोक्रेसी जानती है कि क्या वेस्टफुल है और क्या नहीं है।
ये तो वैसे भी बचा लेते हैं, हमारा जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है वो बहुत पैसे बचा लेता है जो बजट में आता है वो खर्च थोड़ी होता है सारा। गॉबलेट फायर, फायर परपेट्रेटर जजेस इन एनके पब्लिक फ्लॉगिंग फॉर करप्ट पीपल स्पाउसेस, कुछ समझ में नहीं आया। नेक्स्ट हर्षद मालवे, इनकी समस्या ये है कि ये लेफ्टिस्ट एंड वेस्टर्न मीडिया से डरते हैं, पीठ थपथपाना चाहते हैं, बल्कि कल तो उन्होंने कहा कि हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। उपाय एक ही है कि टॉप लीडरशिप को रिप्लेस करने का समय आ गया है, हाई टाइम। अब वो देखेंगे उसका तो, अब मान लीजिए अभी जो बोल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा देखा जाए क्या करते हैं। हम लोग अपना ये अपना तो मूड दिखाते रहे उनको। अब एक मूड तो बीजेपी के नेताओं को देख लेना चाहिए कि जनता की स्थिति यह है कि वो संघ की शाखा में कोई आया नहीं रहा है, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे स्वयंसेवक बने बैठे हैं। तो एक बार तय कर लेते हैं कि इस फिल्म को नहीं देखना है तो नहीं देखते हैं। और एक किसी को सबक सिखाने के लिए समाज जबकि जब जबकि आमिर खान साहब का तो मोदी जी के फेवरेट हैं, फिर भी उनको देखिए जनता ने नकार दिया तो नकार दिया। तो ये है कि बीच में आया था, मैं आपको बताऊं स्थिति क्या हुई कि हेमंत विश्व शर्मा जी को ध्यान नहीं होगा, उन्होंने कहीं इन लोगों को बुला लिया होगा, लेकिन जनता का मूड देखा तो कह दिया हमने नहीं बुलाया, कैंसिल कर दिया। उस मामले में हेमंता जी थोड़े से बड़े सेंसिटिव हैं, लेकिन इसने क्या किया था देखिए, शरारत देखिए इसकी। उस समय मैंने ट्वीट, अब हेमंता जी हम लोगों का मेरा ट्वीट देखे या ना देखे, लेकिन मैंने किया था कि भाई आपको ये जो दान दे रहा है ना आपके बाढ़ सहायता में, 1 करोड़ का उसने दान दिया। हमने कहा कि 1 करोड़ के बदले में वो 10 करोड़ की पब्लिसिटी चाहता है, इसलिए वो दान दे रहा है। कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है कि आमिर खान के अंदर इतना उदात्त वो हो जाए कि वो किसी को 1 करोड़ का दान दे दें इस तरीके से, जब तक कि उसका कोई उनको प्रतिफल न मिलने वाला। तो उनका हमेशा हर निर्णय उसी के ऊपर बेस्ड होता है, तो उसी को लेके फिर आमिर खान ने कहा कि आते हैं थोड़ा सा घूमने के लिए असम। हेमंता जी इस मामले में बड़े संवेदनशील हैं, वो समझ गए कि ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट, काफिर जिंदाबाद, योगी जी का कद मोदी से बड़ा होता जा रहा है, भगवान करे हो जाए, अभी तो समय है, मुझे मेरे हिसाब से तो भी समय है। नेक्स्ट, उदय पाटिल, जनता जाग रही है और मोदी जी लोरी गा रहे हैं। नहीं, आज तो उन्होंने ऐसा लगा, जनता को लगा कि शायद अब हम जगे हैं, अब ये भी जग गए हैं और अब कुछ होगा, देखें क्या होता है। दो तीन जो भी बातें कही हैं यदि उनके ऊपर क्रियान्वयन हो जाए तो मैं कहता हूं कि जनता तो फिर मोदी जी को हाथों हाथ लेगी, उनको कोई मोदी जी से दुराव और कोई इस तरह का थोड़ी है, कोई उनसे कोई वितृष्णा हो गई हो, तो बिल्कुल मोदी जी के साथ खड़े हैं, बस यही प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे आपने कहा कि किसी बड़े काम में लगाओ तो हम तो तैयार बैठे हैं। नाथूराम गांधी, सर वी डोंट रियलाइज द आउटपुट ऑफ करंट सिस्टम इज दैट मेल्स एंड मेजॉरिटी इज बीइंग हैरेस्ड थ्रू आउट कंट्रीज व्हेन इन फैक्ट इफ मेल्स और मेजॉरिटी विल गिव अप देयर विल बी नो इकोनॉमिक्स लेफ्ट। मोदी क्या गजब फ्रीबीज दे रहे हैं हर साल माइनॉरिटी को एंड टू स्टेट्स, अरे फ्रीबी के तो विरुद्ध में है, विरोध में है वो। BJP isn't driving nation's growth, neither they have same drastic vision. It's you and me, common man, driving growth. It is a statement and हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम नाथूराम जी। मनीष सर, BJP के नेतृत्व को स्वयं से योगी व्यक्तियों से नफरत है, जैसे नेहरू महान सुभाष चंद्र बोस से करते थे, देश पंचमक्कारों से कैसे निपटे, इनकी कोई रणनीति नहीं है। जितनी जल्दी नए गांधी से देश मुक्त होगा देश बच जाएगा, सीताराम गोयल जी ने कहा है। देखिए, अपने से योग्य लोगों से कभी कभी ऐसा होता है, लोगों के अंदर थोड़ा बहुत असुरक्षा की भावना होती है, लेकिन हमारी अपेक्षा यह है कि असुरक्षा की भावना न रहे, ये कम से कम विचारों को सुनने लगे और उसको गुनने लगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई कोई क्रेडिट नहीं मांग रहा है इनसे कि हमें आप क्रेडिट दीजिए, लेकिन विचार सुने और जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे अगर कुछ गूढ़ कोई रहस्य है इनके उनके अंदर सब कुछ है तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। अब उस दिन भाषण में उन्होंने कहा ना कि और किससे शेयर करेंगे, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि और किससे आप शेयर करेंगे, हम इसे शेयर करिए। देश की जनता कह रही है कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ शेयर करिए हमारे साथ। वो जो थोड़ा सा आप जो करते हैं इतवार वाला जो कार्यक्रम करते हैं वो तो शेयर भी नहीं करते आप तो वहां दो चार लोगों का प्रचार करते हैं, दो चार इनिशिएटिव आपके हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आप अपने मन की असली बात हमारे साथ शेयर करिए, अपना असली दुख शेयर करिए और हम भी आपके साथ अपना दुख शेयर करेंगे, हम लोग मिलजुल के करेंगे। जन जागृति है आपके सामने नजर आ रही है, जन जागृति है तो अब उसका उपयोग करिए ना। नेक्स्ट,
नाथूराम गांधी भगवान के घर पे कब्जा मेंटेन रखकर सरकार ने काफी लोग को दर्शन से वंचित कर दिया, इसका हिसाब तो सारे बीजेपी वालों को देना ही पड़ेगा। अरे जनता ने उत्तराखंड में इनसे वापस ले लिए, जनता के कारण वापस करना पड़ा उत्तराखंड का चार धाम एक्ट। बेवकूफ मॉडर्न बीजेपी वाले, ऊपर लक्ष्मण भगवान मिलेंगे तब देखना इनके लाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। आदित्य शर्मा, कल प्रधानमंत्री जी के भाषण में मुस्लिम तुष्टिकरण अंग्रेजी कानून को हटाने की कोई बात नहीं की, इन्हीं की सरकार ने कुछ महीने पहले घुटने टेक दिए कुछ छोटे छोटे इस्लामिक देशों के आगे, ना कि इन देशों को करारा जवाब दिया। महिलाओं के लिए कल भाषण दिया पर नूपुर शर्मा के लिए कुछ नहीं किया। ये तो बात बिल्कुल कही चुके हैं ये राजेश जी, पूरी तरह से यही बात कही। नेक्स्ट, रेगी पिल्ले, प्रणाम गुरु जी। वाई द गवर्नमेंट नॉट ब्रिंगिंग इन एजुकेशन रिफॉर्म्स? इट्स वेरी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। वाई इज इट ए स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉन यूनियन, नॉट यूनियन सब्जेक्ट? इट इज अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, कंकरेंट लिस्ट में है। I have victim of so-called secular education for nearly 43 years and there are millions like me. JD has a huge, huge role in awakening my intellect and exposing me to our true history. I am grateful to Guruji. I am still learning. Thank you, Regi ji. Thank you. और निश्चित रूप से हम यही आशा कर रहे हैं कि जो NEP के जो आगे जो बात चल रही है और उसकी जो मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं उसका निर्णय और उसके जो प्रक्रिया है वो शीघ्र संपन्न हो। हमें चाइना और रशिया के हरकतों की वजह से वेस्ट और यूएसए इनमें उलझा हुआ है, तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट को किस बात का डर है? वेस्ट से हम डेमोक्रेसी हैं और हमारे सपोर्ट की वेस्ट को ज़रूरत है अगले 50 साल। हमको वेस्ट से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब आप 130 करोड़ लोगों को भरोसा रख रहे हैं, अब कई क्षेत्र हैं जिसके अंदर तुम्हारी पूरी सिक्योरिटी है ना। आप खुद कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मान लीजिए एनर्जी सिक्योरिटी भी हमारी ठीक ठाक हो जाए, लेकिन कहीं किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई देश किसी से डरता नहीं है इस तरीके से, तो वो आधार बने हमारे किसी भी निर्णय का, ये बहुत दुखदाई है। तो जो कुछ हुआ नूपुर शर्मा वाले केस में बहुत दुखदाई था हम सबके लिए। एक तरीके से दोबारा इन्होंने शरिया कानून लागू कर दिया, जैसे औरंगजेब को गाली देते ये थकते नहीं पता एक उस समय और उसके बाद से ऐसा लगा कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम कुछ बोल नहीं सकते। कई लोग हैं जो यूट्यूब पे जो है बहुत केयरफुल हो गए उसके बाद, कुछ लोग अभी भी अपनी बात रखते हैं लेकिन बहुत लोग केयरफुल हो गए। लोगों ने नूपुर शर्मा का समर्थन करना बंद कर दिया और कोई कारण नहीं था उस समर्थन को बंद करने का, लेकिन लोगों ने बंद कर दिया ये सोच के कि शायद कौन समस्या मोल ले ले। तो ये एक तरीके से आपने शरिया कानून स्थापित कर दिया उस एक मूर्खता के कारण। जी नेक्स्ट। बीजेपी स्पेंड क्रॉस वर्क 24/7 टू गेट वोट्स, देन अनअकाउंटेबल जज रोड ब्लॉक बिकॉज ही पास्ड एग्जाम। No, judges were getting appointed in the High Court. Most of them are from the advocate quota who do not pass exams. वो collegium system उनको recommend करता है। How BJP tolerate PM must appoint judge like US? ये तो बात की ना राजेश जी ने, judicial reforms हम सब साथ खड़े हैं भाई, करो आप इन judges का हिसाब किताब, लेकिन करने के लिए हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी ना, कि पश्चिम के मीडिया से डरना तो बंद करना पड़ेगा ना, पंचमकारों से डरना तो बंद करना पड़ेगा ना, उनसे सर्टिफिकेट की आशा रखना बंद करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और संस्थाओं को, अगर आप संस्थाओं की बात आपने करी दी है तो संस्थाओं में भी रिफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। और वो जो है रिफॉर्म ऐसे थोड़ी है कि सब लोग उसको इतनी आसानी से स्वीकार करेंगे, और आप तो जानते हैं कि उनका स्टैंड पॉइंट क्या है, तो आपको तो पूरा जम के लड़ना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि आपको दोबारा ऐसे कुछ रिफॉर्म का प्रयास कर रहे हैं जो एक बार उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है। और अब तो देखिए ना, अभी जो विकास सिंह जो है उनका आ गया स्टेटमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साहब, हम रेकमेंड करते रहते हैं ये सब सुनते नहीं है कॉलेजियम वाले, ये बार बार ये चीज जो है मतलब कि अब आ रही है सामने खुल के कि ये जो है अभी भी जो है उस तरीके से चलते हैं जिसके अंदर इनका नेपोटिज्म और इनका जो है भाई भतीजावाद चलता है। तो सब कुछ जब इतना खुल के आ गया, लोग खुल के बोलने लगे, तो आप खुल के काम करिए, खुल के एक्शन लीजिए, खुल के निर्णय लीजिए। और वो निर्णय अगर आपका जो लॉ मिनिस्टर है आपके, अगर वो इस चीज को समझता नहीं है,
आपने उसको इसलिए बिठा रखा है वहां कि उसको मांडवली करनी है सुप्रीम कोर्ट के जजेज के साथ बैठ के, तब कैसे काम होगा? वहां तो आपको लड़ना है, आपको संघर्ष करना है, तो आपको उस तरीके के लोग रखने पड़ेंगे अपने जो इस चीज के लिए संघर्ष के लिए तैयार हो। नेक्स्ट, बुलडोजर बाबा फिल्म 2024 में रिलीज होगी, देखते हैं। नेक्स्ट, अमर अग्रवाल जी धन्यवाद आपको। सुमित, when anyone who gets into central power get Gandhi complex or minority appeasement when your core voter suffers, please do a book review, India that is Bharat। हाँ, अभी रिलीज तो होने दीजिए, 23rd को है उसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट, हिम डूड, क्या भाजपा सरकार हिंदू के लिए ज्यादा नुकसानदेह नहीं साबित हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने 84 में सेना पुलिस और अपने कार्यकर्ता लगाकर बदला लिया था? नहीं, भाजपा सरकार का रहना नुकसानदेह तो हिंदुओं के लिए नहीं है, कम से कम ये जो हमारी जो हिंदू एकता जो है उसको वो बलवती हो रही है किन्हीं कारणों से, तो उस दृष्टि से देखे तो नुकसानदेह नहीं है, और कम से कम हिंदू अपनी बात रख पा रहे हैं, नहीं तो अगर कोई दूसरी सरकार रहती तब तो बड़ी मुश्किल होती। नेक्स्ट, गॉबलेट फायर, जजेस हु मेड केयरलेस रिमार्क्स इन नूपुर्स केस शुड बी फायर्ड, एंड नॉट जस्ट पीपल हु डू करप्शन बट आल्सो देयर स्पाउसेस एंड सिब्लिंग्स शुड बी पब्लिकली व्हिप्ड टू स्टॉप करप्शन। आई टोटली एग्री विद यू। एक्चुअली मेरा तो रेसिपी टू डील विद करप्शन इज कि जितने भी ये भ्रष्ट लोग हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है जो ढका छिपा है, वो तो सबके सामने है, दो चार इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठा के एक बार ठीक से इंटरोगेशन हो जाए ना, जिसमें कि ये जजेस इंटरवीन नहीं करें, उस एक ढंग के इंटरोगेशन हो गए, इनके कस्टोडियल इंटरोगेशन हो गए, सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा, और फिर आप नया कानून बना दीजिए और जनता ताली बजाते हुए कहेगी ठीक है, उनको तुम खड़ा करो वहां बीच में कहीं पे इंडिया गेट वगैरह पे कहीं खड़ा करो और उनको जो है एक लाइन से गोली मार दो, लोग उसको भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है उसको उसका अंत करने का वो कानून के रास्ते से हो नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ सब के सब जो है उनको अवसर मिल जाता है, 40-45-50 साल जो है लगते हैं आज एक किसी निर्णय के आने में, अपील्स प्रोसेस के कंप्लीट होने में, तो उससे नहीं भ्रष्टाचार का खात्मा होने वाला है, तो इसको खत्म करने के लिए, और भ्रष्टाचारियों के प्रति एक घृणा की बात कह तो दिया मोदी जी ने, लेकिन ये क्या करते हैं जो जाने माने भ्रष्टाचारी है उनके साथ ही बैठ के आप चाय पीते हैं, जब घृणा की बात जम्मू कश्मीर के जो सबसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे उनको बुला के फोटो खिंचवा लिया उनके साथ, और किसने वेट किया उसको, किसने? हमारे देसी जेम्स बॉन्ड ने, देसी जेम्स बॉन्ड के बुलावे पे आए वो लोग, बताइए। अरे जब वो भ्रष्टाचारी हैं तो आप पहले नेता तो नफरत करें उनसे, तो वो बगल में बिठा के वो जो है फेडरलिज्म जो है चलता है उनका, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के चक्कर में ये भ्रष्टाचार को भी माफ कर देते हैं। अरे कुछ नहीं, भ्रष्टाचारी मेरे घर के चौखट पे खड़ा होगा, उस पे हम थूकेंगे, उसे निकलो, हटो बाहर यहां से, खड़े मत हो हमारे सामने, ये एटीट्यूड तो हमारा नेतृत्व तो पहले दिखाया है इसको, तो जनता तो वैसे ही फॉलो करेगी, नेतृत्व बस कह दे कि भ्रष्टाचारी जो है उसको जीरो टॉलरेंस, उसको बुला के पद्म विभूषण ना दे, और दे दिया है तो वापस ले ले, करे ना ये निर्णय ले, ये बोल निर्णय ले कि भ्रष्टाचारी हो चलने नहीं दे एक दिन तुमको, भ्रष्टाचारी हो सत्ता में हो और तुम्हें मिनिस्टर बना के अभी भी रखा हुआ है, तुम्हारी मिनिस्ट्री बर्खास्त कर देंगे, तुमने कैसे एक मिनिस्टर को जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है वो अभी भी कैसे मिनिस्टर बना हुआ है, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे, तुम कोई भी चीफ मिनिस्टर हो फेडरलिज्म भूल जाएंगे हम उस समय, तुमको भी बर्खास्त करेंगे, तुमको भी जेल में डालेंगे और भ्रष्टाचारी तो जेल में रहेगा ही, ये होना चाहिए एटीट्यूड, तब जाके आप लड़ेंगे ना भ्रष्टाचार से, हर स्तर पर भ्रष्टाचार से लड़ने का यही रास्ता है, उसके प्रति नफरत पैदा करने के भाषण देने से नहीं होगा, आपको नफरत दिखानी होगी जी। नेक्स्ट, वरुण जरियाल, हाय सर, बीजेपी इज नाउ बिहेविंग जस्ट लाइक लेफ्ट, नो विजन, द पीपल डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, कुछ केजरीवाल और आपके तीन चार लोगों से सीख लो कैसे बोलता है। बात सही है, केजरीवाल आईटी सेल इज मच बेटर देन बीजेपी आईटी सेल, नो डाउट। नेक्स्ट, देवनिक सीवान, कैन यू रेट्रोएक्टिवली अप्लाई आर्टिकल 295A टू मेकर्स एंड एक्टर्स ऑफ पीके?
तीन साल की सजा है भाई 295A में, और आई थिंक इट इज आर्टिकल, इट इज सेक्शन 467 ऑफ द सीआरपीसी दैट हैज अ लिमिटेशन ऑफ 3 years फॉर prosecuting an offense under this for those offenses which have sentence up to 3 years. But that limitation, I mean, the limitation will apply to the even a film which is still being shown on television and other platforms. Whenever the film is shown, from then onwards only you can always lodge a case. Can it not be? I don't know if it's showing or not showing. But otherwise, technically, ये technicality है, अब इसको कैसे apply करना है वो अलग बात है. 295A is considered not such a serious offense, though it is non-bailable, but it is carrying imprisonment only up to 3 years. जो ये अलग बात है कि वो cognizable है और non-bailable है. इसी के साथ आज का ये विमर्श समाप्त होता है, यहीं पर हम इसे समाप्त करेंगे. दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. राजेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम. वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय.